हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज यूजी पर। मैं आपके लिए लाया हूँ आज का करंट अफेयर्स। आप चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। ये इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई है? दिल्ली, गुवाहाटी, लखनऊ, बेंगलोर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2023 वार्षिक बार विश्व जीता है? ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल, मैक्सिको। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर मिलेगा। हाल ही में वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। महेंद्र सिंह धोनी, एलिंगी रहाणे, विराट कोहली, शिखर धवन। आप बताइएगा कमेंट में कि 13,000 रन कौन से खिलाड़ी ने पूरे किए हैं सबसे तेज। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ अपराधी मामले में कौन सी स्थल है? असम, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। छठा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, कोलकाता रेलवे स्टेशन, लखनऊ रेलवे स्टेशन, बेंगलोर रेलवे स्टेशन। इसका करेक्ट आंसर विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में साफ फुटबॉल चैंपियन कौन बना है? चीन, सिंगापुर, भारत, बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलैगनार मावली उमीमाई थोगई थीम प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नवा क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश की अध्यक्षता सौंपी है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राजील, जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। चलिए दसवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड ने किसे एमडी एंड सीईओ रूप में नियुक्त किया है? राकेश अस्थाना, टीवी नरेंद्रन, केशव प्रसाद, आर के नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टीवी नरेंद्रन। चलिए ग्यारहवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है? हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। चलिए बारहवां क्वेश्चन, हाल ही में डेनिस आर्टिन का निधन हुआ है? वे कौन थे? अभिनेता, सॉफ्टवेयर डेवलपर, गायक, कार्टूनिस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सॉफ्टवेयर डेवलपर। चलिए तेरहवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? इजराइल, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। चौदहवां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? सिंगापुर, बांग्लादेश, भारत, भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। मैंने इसका करेक्ट आंसर क्या था? बांग्लादेश। चलिए पंद्रहवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूक्रेन, जर्मनी, सऊदी अरब, इंडोनेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और कमेंट जरूर करिएगा।